आज हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से कुछ मिसिंग है, या तो कॉस्ट प्राइस मिसिंग होगा या सेलिंग प्राइस मिसिंग होगा, तो हमें क्या करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस मिसिंग है तो हमारे दो फॉर्मूले बनते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इंटू 100, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे 100 प्लस प्रॉफिट। और अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो माइनस करना है, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करना है। सेम सेलिंग प्राइस के लिए है। सेलिंग प्राइस के लिए क्या करना है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमें हमारा फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। और अगर लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100। आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ चेयर वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज़ 470 एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। मतलब कि एक चेयर है जो परचेस की है 470 की, और उसे 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया है, तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है 470, प्रॉफिट 10%। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। अगर हमें लॉस होता तो हम यहाँ पर माइनस कर देते, बट हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस डिवाइड बाय 100। अब इसमें कॉस्ट प्राइस हमारा जो है 470 है इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा 10% है, 100 प्लस 10 करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आ रहा है 5517। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। A man brought a cycle for rupees 250. For how much should he sell it for gain 20%? अब क्वेश्चन में यह है कि एक साइकिल परचेज की है जिसकी कॉस्ट प्राइस है 250, और हमें बताना है कि अगर वो 20% प्रॉफिट पे सेल की जाए तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट प्राइस उसका है 250 और प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट है 20%। तो सेम वही क्वेश्चन हुआ जैसा अभी अपने कराया। अब हमें निकालना है इसका सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। अब कॉस्ट प्राइस जो है हमारा है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 250 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, से 0 0 कैंसिल कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आया वो आएगा हमारा 2300। तो हमारा जो प्रॉफिट हो, सेलिंग प्राइस जो हो गया वो हो गया 300। आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राम सोल्ड अ वॉच फॉर रुपीज़ 376 एट अ लॉस ऑफ 6%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। मतलब कि राम ने एक वॉच जो है वो सेल की है 376 में, उसे लॉस हो रहा है 6% का, तो हमें बताना है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो है इसका सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस गिवन है कितना, 376, और इसे लॉस हो रहा है 6% का, हमें इसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। अब कॉस्ट प्राइस फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय, अब हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से लॉस को माइनस कर देंगे, लॉस माइनस कर दिया, अब
हमारे पास जो गिवन है सेलिंग प्राइस है 376 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 6। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 376 इंटू 100 अपॉन में 400 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चेयर वॉज सोल्ड फॉर ₹517 एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर, मतलब कि एक चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है हमें 517 और उस पर प्रॉफिट हो रहा है उसे 10% का, तो बताना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो देखिए हमें इसमें गिवन है सेलिंग प्राइस 517 और प्रॉफिट है 10% का। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। अब कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो था सेलिंग प्राइस इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्लस लॉस प्रॉफिट। अगर लॉस हो रहा होता तो माइनस करते हैं, बट हमें यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करना पड़ेगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे 517 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, तो हमारे पास जो है 517 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110 से कैंसिल किया 11 4 7, तो हमारे पास जो आंसर आया 470। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या हुआ, वो हुआ ₹470। ये था आज के क्वेश्चंस।